हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ट्रैकर स्टार में। और दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है और आज माह की 20 तारीख है, अर्थात आज 20 सितंबर है। तो दोस्तों आज के दिन आपको क्या गतिविधि अपने केंद्र पर आयोजित करनी है और क्या आपका मुख्य थीम रहेगा, कौन कौन सी 5 गतिविधि हैं जिनकी फीडिंग आपको आज करनी है, पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूं जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती है। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं पहले हम गतिविधि कैलेंडर की ओर। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 2 गतिविधि कैलेंडर हैं, जो एक विभाग की ओर से जारी किया गया है और एक जो सुविधा अनुसार तैयार किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको दोनों कैलेंडर दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये गतिविधि कैलेंडर है हमारा जो तैयार किया गया है, और इसके अंतर्गत दोस्तों आज जैसे 20 सितंबर है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 20 सितंबर 2024, और यहाँ पर दोस्तों आज की जो गतिविधि दी गई है वह है दोस्तों खेल दिवस। खेल दिवस दोस्तों ये 20 तारीख की गतिविधि दी गई है। और अब दोस्तों हम चलते हैं जो हमारा कैलेंडर विभाग की ओर से जारी किया गया है, एक बार उसमें देखते हैं कि उसके अंतर्गत आज क्या गतिविधि दी गई है। और ये देखिए दोस्तों आपके सामने आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये विभाग की ओर से जारी किया गया कैलेंडर है, और इसके अंतर्गत दोस्तों आप थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो हमारा 3रा सप्ताह फिलहाल चला हुआ है। हमारा पहला सप्ताह कंप्लीट हो चुका है, दूसरा सप्ताह हमारा कंप्लीट हो चुका है, और दोस्तों 3रा सप्ताह अभी हमारा 21 तारीख तक चलेगा। आज 20 तारीख है दोस्तों, बस केवल कल हमारा ये जो है 3रा सप्ताह चलेगा। उसके बाद दोस्तों जो पूरे माह की गतिविधि हैं हमारी अन्य, आप नीचे देख पा रहे होंगे ये थीम गतिविधि जो है हमारी ये पूरे माह की है, जो अवशेष रह गई है बाकी फिर इनको आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास आज का और कल का दिन है जिसमें हम अपने तृतीय सप्ताह की जो हमारी गतिविधि या थीम रह गया था उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों अभी मैंने आपको जो कैलेंडर दिखाया था उसमें आपने देखा था कि इसमें खेल दिवस के लिए गतिविधि दी गई थी। अब दोस्तों खेल दिवस के लिए जो हमारी मुख्य थीम है वह है दोस्तों हमारी पोषण भी पढ़ाई भी, क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत जो गतिविधि दी गई है आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा, वे खेल से संबंधित ही हैं। पहली है दोस्तों यहाँ पर शिक्षा चौपाल विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों में ECCE लर्निंग कॉर्नर को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी है दोस्तों यहाँ पर खिलौना दोस्तों आप समझ गए खेल दिवस से ही रिलेटेड है, खिलौना आधारित और खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदाय केंद्रित खेलों और पढ़ो कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर स्वदेशी खिलौना को बढ़ावा देने के लिए खेल आधारित शिक्षा पर बच्चों और अभिभावकों के लिए प्रदर्शन सत्र गतिविधि DIY स्वदेशी खिलौना मेला। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर टॉयथिन आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ DIY स्वदेशी खिलौना बनाने की कार्यशाला। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल तत्परता गतिविधि, वयस्कता का जश्न मनाना, आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल के लिए तैयार होना। और नीचे है दोस्तों लक्ष्य आयु के बच्चों के लिए खेल दिवस। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी गतिविधि आपको खेल से संबंधित दिख रही है, जैसे खिलौना आधारित, खेल आधारित, स्वदेशी खिलौना, टॉयथिन और नीचे लक्ष्य आयु के बच्चों के लिए खेल दिवस, इन सभी की फीडिंग दोस्तों आपको आज पोषण अभियान पर करनी है। और थीम मैंने दोस्तों आपको बता दिया है पोषण भी पढ़ाई भी, और गतिविधि भी दोस्तों मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको इनकी फीडिंग करनी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको पोषण अभियान लिखकर दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। सबसे पहले ही वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पर पोषण अभियान करके आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोषण अभियान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रहे होंगे, आपको इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डैशबोर्ड, गैलरी और डाटा एंट्री, आपको यहाँ पर डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर डाटा एंट्री लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर नीचे लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप अपने कार्यालय से संपर्क कीजिए, वहाँ से आपको आपके सुपरवाइजर, आपके CDPO आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ।
लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक्टिविटी पार्टिसिपेंट्स फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको एक एक करके इसको फीड करना है। दोस्तों पहला ऑप्शन है यहाँ पर ग्रुप का। ग्रुप में दोस्तों ऑटोमेटिक पहले से यहाँ पर पोषण माह लिखा हुआ रहा है, इसलिए हमें इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में आपको ये बताता हूँ। फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर थीम। तो थीम का दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट थीम पर क्लिक करेंगे। तो थीम का दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है, पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत हमारा खेल दिवस की जो गतिविधि है वह दी गई है। तो यहाँ पर हम पोषण भी पढ़ाई भी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र में दोस्तों यहाँ पर पहले से फीड है MOWSED, तो इसमें भी हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फिर है यहाँ पर लेवल, आप जिस लेवल से फीडिंग कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ एक केंद्र लेवल से फीडिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर केंद्र को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक्टिविटी। तो जैसे ही आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये एक्टिविटी ओपन हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि हमारा खेल दिवस है, तो हमें यहाँ पर खेल से रिलेटेड ही एक्टिविटी को सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों पहली एक्टिविटी है यहाँ पर शिक्षा चौपाल एक्सक्लूसिव टू प्रमोट ECE लर्निंग कॉर्नर्स आंगनवाड़ी सेंटर्स। दूसरी है दोस्तों यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्ड खेलो और पढ़ो। तो दोस्तों पहली हमारी गतिविधि ये हो गई। फिर इसके बाद है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन सेशन एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग प्रमोटिंग इनग्रीडियंट्स टॉयज। दूसरी दोस्तों हमारी ये हो गई, ये भी खेल से रिलेटेड है। तीसरी है दोस्तों टॉयथिन, ये भी हमारी खेल से रिलेटेड है। और फिर है प्री स्कूल रेडियंस एक्टिविटी एज आंगनवाड़ी सेंटर्स सेलिब्रेटिंग कमिंग ऑन एज गेटिंग रेडी फॉर प्री स्कूल एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। तीन हो गई दोस्ती और चौथी दोस्तों हमारी ये हो जाएगी और पाँचवीं हमारी ये। इन पांचों गतिविधि की फीडिंग दोस्तों आपको आज करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये दूसरे नंबर पर दी गई है कम्युनिटी सेंटर्ड खेलो और पढ़ो इवेंट टू प्रमोट टॉय बेस्ड लर्न एंड प्ले बेस्ड लर्निंग, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद इसको फीड करने के बाद ऐसे ही अपनी दूसरी तीसरी और चौथी पांचवी पांचों गतिविधि को ऐसे ही फीड कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम डेट में दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर आज की तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे 20 तारीख को। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर पार्टिसिपेंट डिटेल्स। पार्टिसिपेंट डिटेल में दोस्तों आपको प्रतिभागियों की संख्या यहाँ पर दर्ज करनी होगी कि गतिविधि के दौरान कितने लोगों ने वहाँ पर प्रतिभाग किया, उसकी संख्या दोस्तों आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर अपलोड पिक्चर का। अपलोड पिक्चर में दोस्तों आपको यहाँ पर जो गतिविधि आपने की होगी उसकी आपने फ़ोटो खींची होगी वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको ब्राउजर फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप ब्राउजर फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी फ़ोटो गैलरी ओपन हो जाएगी। वहाँ से दोस्तों आप अपने उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपने खींचा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका फ़ोटो 2 MB से ज़्यादा का ना हो। अगर आपका फ़ोटो 2 MB से ज़्यादा का है तो यहाँ पर वह अपलोड नहीं होगा। तो एक वीडियो दोस्तों आप मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई कि आप अपने फ़ोटो का साइज़ 2 MB से कम का कैसे कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं कि आप फ़ोटो का साइज़ कैसे कम करें बहुत ही आसान तरीके से। तो फोटो अपलोड के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमारी पोषण भी पढ़ाई भी हमारा थीम है तो हम यहाँ पर PB भी लिख सकते हैं, PB पोषण भी पढ़ाई भी। और लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ आ चुका है सक्सेसफुली सबमिट। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अपनी पांचों एक्टिविटी को आज कंप्लीट करना है, फीड कर लेना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी अपनी फीडिंग को डे बाई डे कम्प्लीट करते रहें। और दोस्तों अगर आपकी कोई पिछली फीडिंग छूटी हुई है तो मैंने प्रतिदिन की वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ से जाकर अपनी पुरानी फीडिंग को भी कम्प्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती है। और दोस्तों जो गतिविधि कैलेंडर मैंने आपको दिखाई है, अगर आपको वो गतिविधि कैलेंडर चाहिए तो मैंने उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दी गई है अपने व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए कि आपको गतिविधि कैलेंडर चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।